भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे जदयू कार्यालय, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना का प्रस्ताव दो बार सदन में पारित किया गया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। कोई अगर इस मामले में क्रेडिट लेना चाहता है तो ले, लेकिन नीतीश कुमार काफी पहले से ही यह मामला उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जातीय जनगणना पर राजद की जीत हुई, इसको लेकर अशोक चौधरी ने कहा क्रेडिट कोई भी ले सकता है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी अलग से चर्चाएं होंगी। आरजेडी के लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने पहले सुबाद की मांग की, तब जाकर के सरकार ने इस जनगणना को कराया। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पुराने नीतीश जी के सार्वजनिक रूप से जब जब नीतीश जी ने इसके ऊपर बात की है, तो उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बुला करके 15 वर्ष पूर्व इनको बताया था कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, और उन्होंने उस समय के अपने तत्कालीन नेताओं से जाकर इस पर बात की थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और जातीय जनगणना की बात को उन्होंने कहा था, मगर उस समय जनगणना शुरू हो चुका था, इसीलिए वीपी सिंह साहब ने कहा कि अभी समय नहीं हो सकता, लेट हो गया है। और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जर्नलिस्ट लोगों को बताया है कि जातीय जनगणना के प्रति उनकी रुझान कैसे बढ़ी, तो जानकारी कैसे मिला, कैसे लगा कि नहीं भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। इसीलिए कोई राजनीतिक दल होड लेना चाहता है, करना चाहता है, ये दूसरी बात है। विधानसभा में दोनों बार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के पहल पर ये प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराया गया, तो निश्चित रूप से जब सरकार की इच्छा शक्ति रहती है तभी विधानसभा में प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पारित होता है सर्वसम्मति से। हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि क्रेडिट किसी को देना है। सबने इस जातीय जनगणना में बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने नीतीश कुमार के पहल को अपनी ताकत दी और अपनी सहमति दी, सर्वसम्मति से ये पास हो रहा है। इसीलिए जहाँ तक क्रेडिट का सवाल है, ये इशू बहुत पहले से नीतीश कुमार उठाते आ रहे हैं, और हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि सभी जाति धर्म, कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, कहीं कहीं आज के अंग्रेजी अखबारों में भी कुछ कुछ बातें लिखी गई है, दिल्ली में भी, ये पूरी तरह से गलत है और लोगों को दिग्भ्रमित करने की प्रयास है। पूरे प्रदेश के सभी जाति के, चाहे वो स्वर्ण हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, माइनॉरिटी के हो, सबके जाति का जनगणना किया जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति की जनगणना की जाएगी कि आने वाले समय में स्वर्ण जातियों में भी किस तरह के आर्थिक विपन्न लोग हैं, हम उनके लिए क्या भविष्य में प्लान कर सकते हैं, जो अति पिछड़ा और महादलित है उनकी क्या स्थिति है, किसी के साथ आने वाले समय में बिहार में जो भी जाति के लोग हैं उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ जमीन, क्योंकि स्वर्ण जाति के बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है, हम लोग उनसे भी ज़्यादा विपन्न हो गए हैं। ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि हम जो है मांग कर कर ही खाते हैं और हमारे बारे में कोई योजना नहीं है, तो उन सब योजनाओं को बनाने में भविष्य में माननीय नेता नीतीश कुमार को सहूलियत होगी और उसका फायदा आम जनता को मिलेगा। बीजेपी भी इस पर, तो बिजेंद्र यादव जी ने बात कर दिया है कि दो दो का रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सतीश चंद दुबे जी को राज्यसभा भी भेजा था जब इसके पहले सतीश चंद दुबे जी गए थे, तो दो दो का विजेंद्र जी का सीनियर लीडर है, उन्होंने बयान दे दिया है, इसीलिए स्टैंड तो पार्टी का क्लियर है।